गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें। मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी प्रबुद्ध नवीन दर्शकों, स्वागत है आप सभी को देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ शिव को सर्वाधिक प्रिय है श्रावण मास से जुड़ी हुई ऐसी विशेष जानकारी जो मैं लेकर आया हूं उस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा अगला विषय है कि श्रावण मास में कौन सा पुष्प चढ़ाएं ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सबको मिल सके। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फूल शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं ये मानता हूं कि पुष्प को फूल भी कहा जाता है, लेकिन सही मायने में जब अर्थी को आप अग्नि दाह संस्कार कर देते हैं, उसके बाद अगले दिन जो फूल लेने जाते हैं, जो हड्डियां होती है उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो फूल शब्द का प्रयोग वहां करना चाहिए। ईश्वर के लिए आपको पुष्प शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा पुष्प त्रिनेत्रधारी को सबसे ज्यादा प्रिय है, और यह बात अगर आपने जान ली तो आप इस श्रावण मास में उस पुष्प का प्रयोग जरूर करें। एक पौराणिक कथा जो कि बहुत सदियों पुरानी है, उसके अनुसार 89,000 यानी 89,000 ऋषि मुनियों ने जब देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने और उनसे आशीर्वाद लेने का मन बनाया तो वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे महादेव को कैसे प्रसन्न करें ये जानने की इच्छा व्यक्त की। आपने कभी भी देखा हो तो भोलेनाथ शिव को आपने इस मुद्रा में देखा होगा, ज्ञान मुद्रा में ध्यान करते हुए। ध्यान करने से जो इंसान की शक्ति बढ़ती है उससे अलावा या उसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं शक्ति को प्राप्त करने का। तो हमेशा महादेव इसी में रहते थे तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया कि 100 कबल पुष्प चढ़ाने से जितना महादेव प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप 100 कमल पुष्प भी चढ़ा सकते हैं और एक नील कमल चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही 1,000 नील कमल चढ़ाने से जितने महादेव प्रसन्न होते हैं या शीघ्र प्रसन्न होते हैं उतने ही प्रसन्न वो एक बिल्व पत्र चढ़ाने से होते हैं। याद रखिएगा, बिल्व पत्र का चिकना हिस्सा ही चढ़ाया जाता है। तुलसी और बिल्व पत्र हमेशा चिकना हिस्सा चढ़ाया जाता है, 3 पत्ती का होता है, टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। वैसे ही 1,000 बिल्व पत्र चढ़ाने से जितना शिव प्रसन्न हो सकते हैं या जितने प्रसन्न हो सकते हैं वो मात्र एक शमी पत्र चढ़ाने पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप इस बार श्रावण मास में यह कर्म जरूर करिएगा। आप सभी को देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, उनके पूरे परिवार का, आपके परिवार पर आशीर्वाद सदैव के लिए बना रहे, जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। माता पार्वती और शिव जैसी जोड़ी आप लोगों की भी बन पाए, ऐसा पुत्र हो, यशस्वी पुत्र उनके जैसा, आपके परिवार में सदैव खुशियां ही खुशियां हो। इन्हीं सब विश्वास और शुभकामनाओं के साथ आप सभी से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए इजाजत देना चाहता हूं। नमस्कार, आशीर्वाद। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें। 29 जून दिल्ली 4004-3004, 30 जून व 1 जुलाई कोलकाता 9831602512, 5 और 8 जुलाई मुंबई 9324272446, 6-7 जुलाई दुबई 9715082830। सावन माह में संपन्न करें महाकालेश्वर शिव शक्ति साधना। समस्त शिव साधनाओं का मिश्रण है। इस साधना से प्राणी सभी परेशानियों से मुक्त होकर सभी धर्मों, सभी रहस्यों को देख व समझ लेता है। यह साधना अकारण बाधा, संतान सुख, व्यवसाय दोष से मुक्त कर आपको महाकाल का आशीर्वाद देगी, जो अनंत है, चीर है, निर्बाध है, क्योंकि शिव इस सृष्टि का परम सती है। यदि आप भी रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, संतान सुख, दाम्पत्य जीवन की परेशानियों से ग्रसित है तो इन सभी परेशानियों का सटीक समाधान है सर्व बाधा निवारक महाकालेश्वर शिव शक्ति साधना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291 243
9829026625 9829026625 8955896625 ईमेल info@grahukakhel.com.in वेबसाइट www.grahukakhel.com.in